हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस उसकी वैक्सीन क्या कुछ मायने रखती है। न सिर्फ अमेरिका ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है बल्कि इंडिया में भी इसकी कवायद होना जारी हो चुका है। इसके अलावा देश की सुरक्षा भी काफी मायने रखते हैं और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहे हैं तो कई सारे सम्मेलन को संबोधित भी कर रहे हैं। इसी के साथ किसान आंदोलन भी अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है और इसके अलावा भी और कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको पता होना काफी महत्वपूर्ण है और उसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित, 56 साल बाद ऐसा पहला मौका। डीडीसी चुनावों की मतगणना जारी, बीजेपी और गुपकार दोनों अन्य पीछे। ब्रिटेन में हाहाकार, कई देशों ने बंद की उड़ाने, भारत पर भी दबाव। साल 2024 तक आ जाएगी एप्पल की कार, एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी मिलेगी। क्या चांद की मिट्टी पर उगाई जा सकती है सब्जियां, चीन कर रहा है रिसर्च। लगातार 15 दिनों से नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए आपके शहर में तेल के रेट। नोकिया ने भारत में लॉन्च किया दमदार स्मार्ट एसी, स्मार्टफोन से कर सकेंगे कंट्रोल। एयरटेल के इन तीन प्लान में हर दिन मिलता है 3 GB डेटा, फ्री कॉलिंग और कई फायदे, ज्यादा नहीं है कीमत। सोनू सूद बने भगवान, एक्टर का मंदिर बनाकर उन्हें पूज रहे हैं डुब्बा टांडा गांव के लोग। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी आगे वीडियो में देंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इस बात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपना प्यार हमें कमेंट्स के जरिए जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके खबरों को जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए जबकि 355 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,56,557 हो गई। देश में अब तक 94,89,740 लोग रिकवर हो चुके हैं और इस समय 322,366 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह को आज बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। उनका यह संबोधन ऑनलाइन होगा। पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि ऐसा 56 साल के बाद होने जा रहा है जब देश का प्रधानमंत्री AMU के कार्यक्रम को संबोधित करेगा। बता दें कि इससे पहले साल 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री AMU गए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने AMU के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मद्देनजर AMU प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के आधिकारिक बयान के अनुसार इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैक्सीन आने की खबर से जब से लोगों के मन में कोरोना का डर दूर होता दिखाई दे रहा था, ब्रिटेन में वायरस के एक नए रूप ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन BUI.2020.12/01 मिला है जिसे बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। कई देशों ने पहले ही यूके जाने वाली सारी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। भारत में भी ब्रिटेन के वायरस के नए रूप को लेकर चिंता का माहौल है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बुल्गारिया ने रविवार को यूके को लेकर फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। सोमवार को कनाडा ने भी यूके के लिए सभी कमर्शियल और प्राइवेट फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 और ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे वायरस के नए स्ट्रेन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में यूके आने जाने वाली फ्लाइट्स को बैन करने पर विचार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पीडीपी नेता ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दुनिया के कोने कोने में गया और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने आवाज उठाई, हिंदुस्तान की बात रखी, अब उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। चुनाव के नतीजे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जनता सच्चाई समझ चुकी है। पीडीपी नेता ने कहा कि जहां तक हमारे अलायंस का सवाल है, पीडीपी कैसे बनी थी? दिल्ली में जाकर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये पार्टी बनाई थी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और नेशनल कांग्रेस से कश्मीर की मुख्य पार्टी है, मुद्दे समझती है। कश्मीर डीडीसी चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस वरिष्ठ नेता सांसद और नॉर्थ जोन के इंचार्ज मोहम्मद अकबर लोन ने कहा है कि जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और हमें बढ़त मिली है, यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि जनता के भीतर हमारा भरोसा कितना है। हमने एक पुख्ता गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और उसका नतीजा सबके सामने है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी टेक्नोलॉजी दिग्गज एप्पल साल 2024 तक कारों का उत्पादन शुरू कर सकती है। ये पैसेंजर कार उसकी अपनी एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी प्रोजेक्ट टाइटन के नाम से साल 2014 से ही ऑटो सेक्टर में कदम रखने के लिए काम कर रही है, जब कंपनी ने अपने वाहन का एक डिजाइन तैयार किया था, लेकिन बाद में कंपनी ने कुछ कदम पीछे खींचे और अपना ध्यान सॉफ्टवेयर पर केंद्रित किया। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवालों से ये भी खबर दी है और अभी एप्पल ने खुद इस प्रोजेक्ट की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। साल 2018 में एप्पल के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी डॉग फील्ड कंपनी में लौट आए इस ऑटो प्रोजेक्ट को ही देखने के लिए। तब वो टेस्ला इंक में काम कर रहे थे। उन्होंने 190 लोगों की एक टीम तैयार की। एप्पल दुनिया भर में एक प्रतिष्ठा रखने वाला ब्रांड है और फोन टैबलेट से लेकर फिटनेस बैंड तक के उसके प्रोडक्ट काफी प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं और लोगों में इनका जबरदस्त क्रेज है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन पिछले कुछ समय से चांद पर खेती करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इस सप्ताह के अंत में सफलतापूर्वक धरती पर लौटने वाला चीन का चेंग E5 अंतरिक्ष यान अपने साथ चांद से लगभग 1731 ग्राम मिट्टी और चट्टान के नमूने लाया है। चीनी वैज्ञानिक अब चांद से लाए गए इन नमूनों का विश्लेषण और अनुसंधान करेंगे कि इस मिट्टी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया है कि चांद की मिट्टी पर कार्बनिक पोषण तत्व नहीं होते, ये काफी सूखी होती है। ये मिट्टी न तो बढ़ने वाली सब्जियों के लिए और न ही आलू की खेती के लिए अच्छी है। चांद की मिट्टी सब्जियां नहीं उगा सकती, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए किया जा सकता है। चीनी चैनल CCTV द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के अनुसार लंबे समय तक शोर हवा ने बड़ी मात्रा में हीलियम-3 को चांद की मिट्टी में इंजेक्ट किया, जिसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा के रूप में और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से बिजली पैदा करने में किया जा सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं जब चीन ने चांद पर खेती करने की कोशिश की। साल 2013 के बाद ऐसा तीसरा मौका है जब चीन चांद पर पहुंचा। इससे पहले 2019 में एक चीनी अंतरिक्ष यान चांग E4 ने एक छोटे से रोबोटिक रोवर के जरिए चांद की बेहद दूर की सतह पर उतरकर इतिहास रचा था। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं, अभी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक लगातार खबरें पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल एक बार फिर से कुलांचे भर रहा है। ये प्रमाण है कि दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां तेज होने लगी है। कोविड-19 वैक्सीन के सफल होने की खबरों के बीच पहले से ही कच्चा तेल उत्पादक देशों के बीच सरगर्मी बढ़ गई है। इससे इसकी कीमतों पर भी असर पड़ा और अभी भी ये बीते फरवरी के स्तर पर आ गया है। हालांकि घरेलू बाजार में देखें तो पेट्रोल डीजल में अभी शांति है। यहां आज लगातार 13वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं। दिल्ली का भाव देखें तो रविवार को पेट्रोल 83.71 और डीजल 73.87, लेकिन 20 नवंबर से 12 किश्तों में ठहर ठहर कर डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। इन दिनों में डीजल 3.41 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल प्याज की बढ़ती कीमतों ने जिस तरीके से आम आदमी, किसान और सरकार को मुश्किल में डाला, अब उससे सबक लेते हुए भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसका सरकार ने इंतजाम कर लिया है। अब सरकार ने घरेलू स्तर पर ही प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने की योजना बनाई। इससे प्याज की जरूरत के वक्त भी कीमतें काबू में रहेंगी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार प्याज का बफर स्टॉक 1 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 लाख टन करेगी। इससे आने वाले सालों में प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होगी। प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाए जाने से जब भी मार्केट में प्याज की कमी महसूस होगी तो बफर स्टॉक वाला प्याज मार्केट में उतार दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोकिया ने भारत में होम अप्लायंस
सेगमेंट में एंट्री करते हुए एयर कंडीशनर लॉन्च किया है। नोकिया की नई एसी रेंज की शुरुआती कीमत 30,999 रुपए है और इसे ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध कराया गया है। ग्राहक नोकिया के नए एसी को 29 दिसंबर से खरीद सकते हैं। कंपनी के इस एसी को भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। नोकिया के एयर कंडीशनर्स में सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ 4-in-1 एडजस्टेबल इन्वर्टर मोड दिया गया है। फ्लिपकार्ट का दावा है कि नोकिया एयर कंडीशनर्स को खास तौर से भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। नोकिया एयर कंडीशनर्स में नेगेटिव आयोनाइजर के साथ 6-in-1 एयर फिल्टर भी मिलेगा। इन फीचर्स के अलावा इसमें कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। नोकिया एसी में 100% कॉपर होने के दावे हैं। इसके साथ ही इसमें 4-way क्रॉसिंग टर्बल क्रॉस फ्लो फैन भी दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इस एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें 145 से 256 वाट तक का वोल्टेज रेंज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल के दौरान ज्यादा डेटा की जरूरत हो रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनियां सस्ते और ज्यादा फायदे वाले प्लान पेश कर रही है। बात करें एयरटेल की तो इसके प्रीपेड प्लान की लिस्ट में ऐसे कई धासु रिचार्ज प्लान हैं, जिसमें हर दिन 3GB डेटा दिया जाता है। खास बात यह है कि ग्राहकों को प्लान में कॉलिंग का बेनिफिट भी दिया जाता है। हर दिन 3GB डेटा वाले प्लान की लिस्ट में 398 रुपए, 448 रुपए और 558 रुपए का प्लान शामिल है। एयरटेल का 398 रुपए वाला प्लान। एयरटेल के इस प्लान में ग्राहकों को 3GB डेटा, 100 SMS और इसकी वैलिडिटी 28 दिनों के लिए होती है। ग्राहकों को किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा यूजर्स को इस रिचार्ज पैक में एयरटेल एक्सट्रीम और विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। एयरटेल का 448 वाला प्लान, इसमें हर दिन 3GB हाई स्पीड डेटा, 100 SMS और ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। 448 वाले प्लान की वैलिडिटी होती है 28 दिनों की। अच्छी बात यह है कि इस प्लान में ग्राहकों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिससे वो एंटरटेनमेंट का आनंद उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनू सूद ने कोरोना काल में इतने लोगों की मदद की है कि उन सब लोगों के लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं। सोनू के प्रति अपना आभार जताने के लिए किसी ने अपने बच्चे का नाम उनके नाम पर रख लिया तो किसी ने अपनी दुकान का नाम उनके नाम पर रखा। लेकिन तेलंगाना के एक गांव में लोगों ने सोनू को भगवान के तौर पर बिठाकर उनके लिए एक मंदिर बना दिया है। जी हां, तेलंगाना राज्य के गांव डुब्बा टांटा के लोगों ने 47 साल के सोनू के नाम पर एक मंदिर बनाकर उन्हें सम्मानित किया। गांव वालों ने इस मंदिर का निर्माण सिद्धिपेट जिला अधिकारियों की से किया। मंदिर का लोकार्पण मूर्तिकार और स्थानीय लोगों ने किया और सोनू की आरती भी उन्होंने की। सोनू को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैनेडेमिक के दौर में सोनू ने कई सारे लोगों की मदद की, ऐसे में ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमने उनका मंदिर बनाया। वही सोनू अपने लिए लोगों का ये प्यार देखकर काफी ज्यादा विनम्र महसूस कर रहे हैं। सोनू ने अपने बयान में कहा, ये मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी जरूरत नहीं, मैं बस एक आम आदमी हूं जिसने अपने भाइयों और बहनों की मदद की है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें आप तक लगातार आती रहेंगी। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा तो खबरों के बारे में अपने विचार उनसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।